हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके लिए ग्रही मछली लेके आए हैं जो सर्दियों में बहुत ही फ़ायदा करती है। और ये फिलहाल तो सालनदार बनती है जिसका सर्दियों में बहुत फ़ायदा होता है, पर इसको हम आपको दूसरे तरीके से बनाना बताएंगे जो सर्दियों में आप ऐसे भी रोटी के साथ खा सकते हैं, मसालेदार। ठीक है, इसको ट्राई ज़रूर करिएगा और बहुत ही टेस्टी बनेगी। प्लीज़ 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 इसको पूरा वीडियो देखिएगा और हम आपको बताते हैं। ठीक है, और बिना फ्राई करा बिना फ्राई बिना के इसे फ्राई करें। बनाएंगे। ठीक है, ये देखिए, ये प्याज है जो हमने इसे पीस के रखा है, और ये अदरक लहसुन का पेस्ट है जो इसमें हम ऐड करेंगे। अदरक लहसुन 1 स्पून, और ये मिर्चा है जो हमने आधा चम्मच डाला है, और ये धनिया पाउडर है जो आधा चम्मच डाला है, ये नमक है, नमक अपने स्वाद अनुसार, और ये हल्दी पाउडर है आधा चम्मच। अब पूरे मसाले को हम मिक्स कर मिक्स लेंगे। कर लेंगे, और ये मेरी देवरानी है और हम दोनों साथ में कुकिंग करते हैं। ये तेल मेरा गरम हो चुका है, अब हम इसमें मेथी डालेंगे, और जो हमने पूरा मसाला ऐड करके रखा था अब इसको हम इसमें डालेंगे। हम इसको जब तक भूनेंगे जब तक ये तेल ना छोड़ दे। ये देखिए, हमारा मसाला भुन चुका है, अब इसमें हम कस्तूरी मेथी डालेंगे जिससे फिश का टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। देखिए कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, वाह। अब हम दही को फिश में मिलाएंगे। दही को फिश में मिला लेंगे। अब इसको हम 5 मिनट के लिए रख देंगे ताकि ये पूरा अंदर तक मिक्स हो जाए। देखिए, हमारा मसाला भुन चुका है, अब हम इसमें मछली ऐड करेंगे। गरम मसाला ऐड करेंगे। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। तक गल जाए। अब हम इसे ढक के रख देंगे जब तक कि ये सूख नहीं जाती। ठीक है, ये देखिए, हम लोग की मछली बनके तैयार है, और ये बताइएगा कैसी बनी है। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही टेस्टी बनती है। आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बनाइएगा ज़रूर, बहुत ही अच्छी और टेस्टी बनती है। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।